हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। एक बार फिर बढ़ती महंगाई को रफ्तार देते हुए तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा कर दिया है। शनिवार को लागू की गई नई दरों के बाद दिल्ली में अब पेट्रोल 100.91 रुपए और डीजल 89.88 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। हरियाणा में भी एक लीटर पेट्रोल का दाम 98.01 रुपए पहुंच चुका है, यानी कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब प्रदेश में पेट्रोल की कीमत शतक लगा चुकी होगी। भले ही केंद्रीय कैबिनेट की शक्ल बदल गई हो, लेकिन आम लोगों के हालात जस के तस बने हुए हैं। महंगाई के मार झेल रहा आम आदमी आज भी महंगाई के झटकों का सामना कर रहा है। आम जनता की आफत में इजाफा करने के लिए एक बार फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर दिया है। कंपनियों ने नई दरों को लागू करते हुए पेट्रोल के दाम में 35 पैसे जबकि डीजल में 26 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं एलपीजी भी बढ़ा दिए गए हैं। शुक्रवार को हालांकि इस महंगाई में थोड़ी सी राहत लोगों को दी गई, बढ़ोतरी नहीं की गई थी, लेकिन जैसे ही शनिवार आया तो 55 पैसे पेट्रोल और 46 पैसे डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। आम लोगों की जो पहले समस्या पहले ज्यादा थी, अब और भी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है हालांकि विपक्षी पार्टियां आंदोलन कर रही हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनों से शायद सरकार के कानों तक कोई भी जू नहीं रोकी। कल आम आदमी पार्टी ने इसका प्रदर्शन किया था, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने किया था, कुछ लोग हैं। क्या नाम है भाई? सर मेरा नाम सनम है। मैं क्या पेट्रोल डलवाने आया हूँ? हाँ सर, मैं पेट्रोल डलवाने आया हूँ। एक स्टूडेंट होने के खातिर हमें इतना तो करना पड़ता है, जैसे हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं वगैरह पढ़ने के, पेट्रोल दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। इतनी मांग करने के बावजूद भी दिन पे दिन सरकार पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है। बसों का किराया डबल कर दिया गया है पेट्रोल के कारण। हमारा जितने भी मतलब पूंजी पानी सब कुछ खत्म होता जा रहा है, हमारी पॉकेट मनी पे बहुत असर पड़ रहा है। सर काम धंधा तो है नहीं। हाँ। और बेरोजगार इतने हैं। हाँ। ना कोई दुकानदारी है ना कोई दाढ़ी मजदूरी है। हाँ। और महंगाई इतनी हो रही है दिन पे दिन, घर के अंदर भी आज ऐसे हालात हो गए कि आज रोटी पोने की भी दिक्कत आती है। हाँ। ऐसे हालात हो रहे की फैमिली जो है घर के परिवार वाले अब लकड़ी चुके लेके आएंगे और जब की तरह रोटी पोएंगे खाएंगे। देश में तेल की कीमतें बीते 2 महीने से ज्यादा वक्त से बढ़ रही हैं। पेट्रोल की कीमत अब लगभग पूरे देश में 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है, साथ ही डीजल भी पीछे पीछे तेजी से इसी दिशा में बढ़ रहा है। शनिवार सुबह हुई बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100.91 रुपए और डीजल की कीमत 89.88 रुपए पहुँच चुकी है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 106.93 रुपए और डीजल 97.46 रुपए पहुंच चुका है। उधर कोलकाता में पेट्रोल 101.01 रुपए और डीजल 92.97 रुपए और चेन्नई में पेट्रोल 101.67 रुपए और डीजल 94.39 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। तेल की बढ़ी हुई कीमतों की आग से देश के दूसरे शहर भी झुलस रहे हैं। चंडीगढ़ में पेट्रोल 97.04 रुपए है जबकि डीजल 89.51 रुपए है। भोपाल में पेट्रोल 109.24 रुपए है जबकि डीजल 98.67 रुपए है। बेंगलुरु में पेट्रोल 104.29 रुपए है जबकि डीजल 95.26 रुपए है। पटना में पेट्रोल 103.18 रुपए है जबकि डीजल 95.46 रुपए है। लखनऊ में पेट्रोल 98.01 रुपए है जबकि डीजल 90.27 रुपए है और रांची में पेट्रोल 95.96 रुपए है जबकि डीजल 94.84 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। बढ़ते तेल के दामों को लेकर इन दिनों बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होती हैं। दूसरी ओर महंगाई को अहम मुद्दा बनाकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और आम लोग लाचार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। महंगाई का विरोध सिर्फ विपक्षी पार्टियों में नहीं होता, महंगाई का विरोध हर एक आमजन में होता है, हर एक मिडिल क्लास और गरीब फैमिली में होता है, क्योंकि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई की वजह से लोगों की जब थाली पर बात आ जाती है तो ये मामला बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और अब वैसा ही होता नजर आ रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब पेट्रोल डीजल के रेट्स में बढ़ोतरी ना हो और लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से देश भर में कई प्रदेशों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है और अगर इसी रफ्तार से पेट्रोल डीजल बढ़ता गया तो जल्दी हरियाणा में भी पेट्रोल जो है वो 100 रुपए के पार मिलने लगेगा।
लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो ना सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक सीमित रहता है, बल्कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब महंगा होता है तो खाने पीने का सामान भी महंगा हो जाता है, और हर एक दिन के साथ अब खाने पीने का सामान भी महंगा हो रहा है। दूध के रेट्स भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए आज मदर डेयरी ने, और इससे पहले अमूल ने भी दूध के रेट्स बढ़ा दिए थे। लगातार दालें महंगी हो रही हैं, तो इस पर जाहिर तौर पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि महंगाई की चोट बहुत ज्यादा बुरी होती है लोगों के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से। अजय, लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और लगातार सरकार का विरोध भी हो रहा है, ना सिर्फ जो है विपक्ष के नेता कर रहे हैं, बल्कि अब आम लोगों में भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अब बस करे सरकार। हाँ बिल्कुल अन्नी, देखिए जिस प्रकार से पिछले एक पखवाड़े की बात किया जाए, लगभग जब पेट्रोल और डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार एक महीने की से जो है पेट्रोल डीजल के रेट अपने रोज एक नया एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। फतेहाबाद के संदर्भ की अगर बात की जाए, फतेहाबाद के अंदर आज पेट्रोल का रेट 99 रुपए 28 पैसे हो चुका है, तो ये 100 का जो शतक है उसका लगाने के बिल्कुल करीब है। बढ़ती महंगाई और बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर के लगातार जो है विपक्षी दल तो हमलावर थे ही, अब जो आम लोगों के चेहरे पर भी शिकन नजर आने लगी है कि एक बार में जब जो लोग पहले पेट्रोल डीजल टंकी फुल करवाते थे, आज वो उसकी हाफ भी नहीं होती है, तो ऐसे में लोगों के लिए संकट बड़ा भारी हो गया है कि अब महंगाई के दिनों के अंदर जब महंगाई चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, उसके बीच में पेट्रोल और डीजल के दाम एकाएक बढ़ जाना और ऐसे दाम ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर लेना जो आज से पहले कभी नहीं हुए हैं। केवल नन्ही देखिए, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ना अपने आप में एक महंगाई को बढ़ने का जो न्योता देना होता है कि सिर्फ पेट्रोल डीजल बढ़ने से के दाम बढ़ने से केवल उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता जो गाड़ियां चलाते हैं, यहां फर्क पड़ता है तमाम जो माल वाहक जितने भी वाहन हैं उनको, उन पर फर्क पड़ता है, उससे साथ साथ फर्क पड़ता है उन पर ढुलाई किए जाने वाले सामान के ऊपर। अगर ये पेट्रोल डीजल के रेट जिस तरह बढ़ रहे हैं, उस तरह खाद्य सामग्री के रेट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो खाद्यान्नों की बात की जाए, तिलहनों की बात की जाए, दालों की बात की जाए, सब्जियों की बात की जाए, फ्रूटों की बात की जाए, तो ये तमाम जो रेट हैं लगातार इनके अंदर इजाफा किया देखा जा रहा है। अगर इनके व्यापारियों से बात की जाती है तो उनका यही कहना है कि जो माल भाड़ा लगातार बढ़ रहा है, इस वजह से जो है इनके दामों के अंदर इजाफा हो रहा है। इसको लेकर के आज भी जो है कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। नंदनी जी बिल्कुल अजय, और लगातार हो रहे इस प्रदर्शन के बीचों बीच कहीं ना कहीं जो परेशानी है, जो मूलभूत परेशानियां हैं, देखिए राजनीति और प्रदर्शन तो हो रहे हैं लेकिन उन मूलभूत परेशानियों को सरकार, सवाल ये खड़ा होता है कि समझ क्यों नहीं रही है। अब चाहे जो भी हो, चाहे जैसे भी समाधान निकले, समाधान निकालना तो सरकार को ही है, और यहां पर कोई भी समाधान नहीं निकाला जा रहा है। हर दिन एक और नया झटका पेट्रोल और डीजल की रेट जो है लोगों के लिए लेकर आते हैं। प्रदेश में अभी पेट्रोल 100 रुपए के पार अगर इसी रफ्तार से बढ़ता गया तो किसी भी दिन मिलने लगेगा। आप मध्य प्रदेश में देखिए, पेट्रोल जो है 108 रुपए के लगभग हो गया है। तो अब आम आदमी, जो मजदूर वर्ग जो बाइकों पर चलकर जैसे तैसे अपना काम चलाते हैं, उनके लिए तो अब पेट्रोल वाली बाइक चलाना बिल्कुल उनकी आउट ऑफ रीच हो चुका है। तो ये इस बात को समझना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। अब बिल्कुल नन्ही देखिए, एक पैमाना था पहले, जब लोग बाइक और दोपहिया वाहन जब भी लिया करते थे, एक पैमाना हुआ करता था, एवरेज देखा करते थे कि एक लीटर के अंदर कितनी गाड़ी की एवरेज मिल जाएगी। तो मोटे तौर पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो माइलेज को लेकर के जो है अपने वाहनों को बेचा करती थी। आज स्थिति ये हो गई है कि 100 रुपए के अंदर जो वाहन है 60-50 किलोमीटर का रास्ता भी तय नहीं कर पाते हैं। तो पूरे दिन के अंदर जो दिहाड़ीदार मजदूर है या दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति है, 500 से 400 रुपए 600 रुपए कमाता है, उसका 100 से 200 रुपए प्रतिदिन अगर टेस्ट डीजल और पेट्रोल में लगता है तो उनके लिए एक बड़ी विभीषिका समझ आती है कि वो अपने घर कैसे चलाएंगे। सबसे एक चौंकाने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से आज पेट्रोल डीजल जो बढ़े हैं तो उसका सीधा असर जो है आम आदमी की रसोई पर पड़ा है। आज देखिए, अमूल ने 2 रुपए जो रेट पहले बढ़ा दिया था, आज मदर डेयरी ने 2 रुपए लीटर के ऊपर जो है दूध का रेट बढ़ा दिया है। कहीं ना कहीं सीधा तौर पर असर जो है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का जो है दूध के ऊपर भी पड़ा है। हालांकि एक तर्क दिया जा सकता है कि ये जो सीधा असर पड़ रहा है, लेकिन ये अब ये कंपनियां बताएंगी कि क्या क्या वजह क्या रही है। लेकिन आम आदमी का मानना है कि जिस प्रकार से जिस तेजी से पेट्रोल और डीजल बढ़ रहे हैं उसी तेजी से जो है उनका किचन का जो बजट है वो भी बहुत तेजी से गड़बड़ा रहा है। चलिए शुक्रिया आपका जो तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ गए राय से, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। लाजपत, एक और झटका आज फिर बढ़ गए हैं पेट्रोल और डीजल के रेट।
जी बिल्कुल नंदनी, देखिए बात करें तो जिला सोनीपत क्या हरियाणा के क्या पूरे स्टेट की आज आकार मच चुकी है। आकार इसलिए कहेंगे कि हर रोज जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे देश में महंगाई कितनी बढ़ रही है। महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पर है। हमने व्यक्तियों से बातचीत की, लोगों से बातचीत की, लोगों ने साफ कहा कि पेट्रोल डीजल के सरकार अपनी मनमानी करे, चार साल जो मर्जी सरकार करे, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, लेकिन सुख सुविधाएं सबसे ज्यादा जरूरी। पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने वाले व्यक्ति कितने परेशान है, रोड कोई भी सोनीपत जिले की मैं गारंटी देता हूं कि लोगों को चलने के लिए कितनी बड़ी आफत है। कोई भी रोड ठीक नहीं है, सभी रोड टूटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि किसान आंदोलन दिल्ली की दहलीज पर बैठे हुए हैं, उनकी वजह से जो गाड़ियां जो 4 किलोमीटर का सफर तय करते थे वो 50 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। दूसरा जाम की स्थिति आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जाम जब लगा रहता है तो कितनी पेट्रोल डीजल फूकता है। तो हर चीज को एक हाहाकार मचाई जा चुकी है। दूसरा पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल सब हर चीजें बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात टोल टैक्स वसूली, बदमाशी वसूली इसलिए कहेंगे कि टोल टैक्स जबरदस्ती लोगों की जेब से लूटा जाता है पैसा। किस तरीके से लूटने की हाहाकार मचाई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना, टोल टैक्स के दाम बढ़ाना, या रोडों की स्थिति कितनी बुरी हालात हो चुकी है। लोग कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएं लेकिन सुख सुविधाएं दे। महंगाई कितनी चरम सीमा पर है, रसोई के दाम, एक व्यक्ति छोटी सी बाइक पर अपना घर पालता है, रेडी लगाता है, या आम आदमी जो पेट्रोल डीजल कहीं भी जाता है तो कितनी त्राही मची हुई है। हर व्यक्ति आज सरकार के खिलाफ हो चुका है। आप नंदनी अंदाजा लगाइए कि एक समय ऐसा था कि जब बीजेपी सरकार के बड़े लीडर थे, जिन्होंने जब मौजूदा सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए अध नंग होकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। आज वही लोग सत्ता में बैठकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं जब सेंटर में बीजेपी सरकार थी 100 रुपए प्याज हुई थी और इनको मुंह की खानी पड़ी थी। अब 4 साल अपनी मनमानी कर रहे हैं तो लोगों को इसका जरूर जवाब देंगे। सिर्फ 4 साल लोग रो रो कर काट रहे हैं लेकिन बीजेपी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए कि बिल्कुल महंगाई देखिए किसी भी सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है कि सरकार को जो है सत्ता छोड़नी पड़ गई महंगाई की वजह से। और अब एक बार फिर से जो है महंगाई आसमान की तरफ जा रही है, आसमान छू रही है। लोग वाकई अगर ग्राउंड लेवल पर, लाजपत आप लोग भी बहुत लोगों से मिलते होंगे, हम भी मिलते हैं, तो ग्राउंड लेवल पर इस समय हर एक शख्स की जुबान पर महंगाई का मुद्दा है। क्योंकि जो मिडिल क्लास वर्ग है, जो गरीब क्लास है, गरीब तबका है, वो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाने वाले लोग हैं और कमाई के कोई साधन है नहीं उनके पास। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के बिजनेस ठप हो गए हैं, लोगों की दुकानें ठप हो गई हैं और किसी तरह की कमाई ना होने के बीच ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है सरकार की फाइनेंस नीति पर। जी बिल्कुल नंदनी, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये भी है, एक युवा है जो पढ़ा लिखा रोजगार है, जो बेरोजगार है, जिसने पढ़ाई लिखाई की है बेरोजगार है, अपनी रोजी रोटी के लिए भटकता। लोग, हर व्यक्ति अपनी रोजी रोटी के लिए भटक रहा है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। ये तो लोग खुद के ऊपर संपन्न है, किसी ने दुकान की है, किसी ने व्यापार किया है। सरकार बेरोजगारी को खत्म करने के लिए युवा है, जो पढ़े लिखे युवा है उनको रोजगार दे, आगे उनको देश को आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी की तरफ लोग जूझ रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है, बिजली के कट लगने की वजह से पेट्रोल डीजल फूकना पड़ता है। फैक्ट्रियां, छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, कुंडली, राई, बड़ी, सोनीपत, फैक्ट्रियां पलायन कर चुकी है, किसान आंदोलन की वजह से पलायन कर चुकी है, लॉकडाउन की वजह से पलायन कर चुकी है। रोजगार जो है वो फैक्ट्रियां दे रही है। फैक्ट्रियों पर जब बोझ पड़ना शुरू होगा तो बेरोजगारी आएगी। बेरोजगारी इसलिए कि जो बच्चे हैं उनको हटाना होगा क्योंकि खर्चे है नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोरोना जैसी लॉकडाउन की वजह से जब फैक्ट्री अप्लाई कर सकती है, बेरोजगारी फैल सकती है और फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, ये सरकार के लिए बहुत बड़ा एक सवाल है। सरकार को आगे आकर जरूर इसका समाधान करना चाहिए क्योंकि आज अगर दिल्ली दहलीज की बात करें तो चारों तरफ से जो किसानों ने घेरा है उसकी वजह से लोग जूझ रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, महंगाई की वजह से जूझ रहे हैं। हर रोज जो महंगाई बढ़ रही है, खाने पीने की चीजों पर महंगाई बढ़ रही है, जो सब्जी की लगा लीजिए, रसोई की चीजें लगा लीजिए, जब ट्रांसपोर्ट जब चलते हैं, जिन लोगों को ट्रांसपोर्ट चलाने हैं वो बेरोजगारी पर आ चुके हैं क्योंकि जैसे ट्रांसपोर्ट चलते थे वो लगातार
अब हर व्यक्ति अपनी जेब पर देखता है, क्योंकि जैसे ट्रांसपोर्ट चलते थे तो लॉकडाउन की वजह से वो नहीं चल पा रहे हैं, फैक्ट्री अप्लायंस कर चुकी है, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है नंदनी। चुनौती इसलिए कि जब हर व्यक्ति अब त्राई त्राई पर है, और क्योंकि महंगाई, एक सब्जी जो व्यक्ति सब्जी बेचता है रेडी पर, अगर वो बाइक पर अपनी सब्जी लाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल डीजल डलवाना होता है। एक तो पेट्रोल डीजल के रेट्स, महंगाई चारों तरफ से, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट जब पड़ रहे हैं, दूध के रेट्स बढ़ गए, सब्जियों के रेट्स बढ़ गए, दाल के रेट्स बढ़ गए, फिर दूसरी तरफ जैसा कि आप बता रहे हैं कि हरियाणा में तो लोगों को स्पेशली प्रॉब्लम लगातार चलते आंदोलन से भी है, क्योंकि सड़कें जाम है, सड़कों पे इतने गड्ढे हैं और लोगों के पेट्रोल डीजल गाड़ियों में इतना जलते हैं जिसकी वजह से उन्हें और ज्यादा लॉस होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के पास अब रोजगार भी नहीं है ये सब अफोर्ड करने के लिए, उस तरह का रोजगार नहीं है जो कोविड से पहले हुआ करता था। तो जाहिर तौर पर इतनी सारी परेशानियों में कहीं ना कहीं अब ये सरकार का ही दायित्व है कि इन लोगों के बारे में सोचें, और जरा प्रैक्टिकल होके इन लोगों के जीवन के बारे में जब सोचेंगे तो वाकई मुझे लगता है कि सरकार को तब शायद एहसास होगा कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ रहे हैं ये लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर राजपथ में मजदूर वर्ग की बात करूं, अब जैसे मजदूरों को भी देखा जा सकता है कि दूर दूर फैक्ट्रियां हो तो कई बार वो बाइक का सहारा लेकर अपना काम चला लिया करते थे, लेकिन अब बाइक तो बिल्कुल आउट ऑफ रीच उनके लिए। और दूसरी चीज की ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी महंगा हो रहा है क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों की सैलरीज उतनी ही है और शायद उससे भी कम। जी बिल्कुल नंदनी, देखिए हम नहीं कहते कि पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ने चाहिए क्योंकि देश को तरक्की की जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि दिल्ली एनसीआर के नजदीक आप है, जो दिल्ली एनसीआर के नजदीक है वहां पर सीएनजी पंप है, गाड़ियां सीएनजी से भी चल रही हैं, लेकिन अलग जगह जाएं, महेंद्रगढ़ की तरफ जाएं या अलग अलग जगह जाएं, सीएनजी पंप है नहीं। वहां पर लोगों को सोचना पड़ता है घर से निकलने के लिए कि अगर कहीं रिश्तेदारी में भी जाना है तो पेट्रोल डीजल कितना महंगा खरीदना होता है। लोग रिश्तेदारियों में भी जाते हुए डरते हैं। और आपने जो मध्यम परिवार है जिसकी बात की कि जो बाइक पर अपनी नौकरी के लिए जाता है, एक व्यक्ति को 10,000 रुपए सैलरी मिलती है, 6,000 रुपए का पेट्रोल देता है, वो 4,000 पर नौकरी करेगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो परेशानी है ये बहुत ज्यादा बेसिक दिक्कत हो चुकी है अब एक गरीब आदमी के लिए कि अपने घर को चला पाना, आखिर कैसे वो चलाए, और इस बारे में कोई सोचने वाला भी नहीं, सरकार को शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा, या फिर सरकार जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हुई है और बस अंधाधुन आप पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आप एक्सपर्ट से राय लेंगे तो उनके मुताबिक सरकार के हाथ में है, पेट्रोल डीजल पर सरकार सब्सिडी दे सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कारण है कि सरकार को इस समय खजाना भरने की पड़ी हुई है, जो बेसिक परेशानियां हैं पहले उनका निदान तो किया जाए। खास पेशकश में इतना ही।